नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों आज तुलसी विवाह जो 15 नवंबर 2021 को है, ऐसे तो हम रोजाना तुलसी माँ की पूजा करते हैं, रोजाना तुलसी माँ को जल अर्पित करते हैं, लेकिन अगर हम तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है। और जिन बालक या बालिका की शादी में देरी हो रही है या शादी में अड़चने आ रही हैं, अगर विवाह होने में विलंब हो रहा है, तो तुलसी विवाह के दिन कुछ आसान से उपाय अगर वो कर लेते हैं तो उन्हें मन चाहा वर मिलता है, मन चाहा प्यार करने वाला सच्चा जीवन साथी मिलता है। तो चलिए आज हम तुलसी विवाह से जुड़े हुए कुछ उपाय के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले कि मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए देखते हैं कि तुलसी विवाह के दिन अगर हम कुछ छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो जो शादी में आ रही है अड़चने, वो देखिए कैसे फटाफट दूर होता है और मन चाहा जीवन साथी मिलता है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार है। इस दिन को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधिनी भी कहा जाता है। इसे देवोत्थान भी कहा जाता है। माँ तुलसी और शालिग्राम की विवाह कराई जाती है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से शादी विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में तुलसी और शालिग्राम की विवाह के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कई तरह के उपाय किए जाते हैं। विशेष तौर पे अगर आप तुलसी के उपाय करते हैं तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी स्नान भी कर सकते हैं। तुलसी स्नान करने के लिए आपको अपने नहाने के पानी में 7 पत्ते तुलसी के डालने हैं, लेकिन कोशिश करें कि तुलसी को तोड़े नहीं। जो पत्ते तुलसी के आसपास नीचे गिरे हो, अगर सूखे भी हो तो वो भी चलेगा। सूखे पत्ते भी लेकर के आप जो पानी में नहा रहे हैं उसमें डाल दीजिए, फिर उस पानी से आपको स्नान करना। इससे आपके स्वास्थ्य में भी लाभ पहुंचेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आप इसको करके देखें, तुलसी विवाह के दिन अवश्य ये कार्य कर लें। तुलसी के पत्ते को आपको तोड़ना नहीं है। जो भी तुलसी के पत्ते इधर उधर गिरे रहते हैं तुलसी पिंडा पे, तो उसे उठा करके आप इस कार्य को कर लें। पहला उपाय, तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु से शीघ्र प्रार्थना और कामना करते हुए कहें कि मुझे जल्द ही अच्छा सा जीवन साथी मिले। इसके साथ ये उपाय आप जरूर कर लें। आपको 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है और एक पीला कपड़ा लेना है। उस कपड़े में आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है, थोड़ा सा चने की दाल रखना है और वो साबुत हल्दी की गांठें उस पर रख करके आप उसे बांध करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर आपके आसपास अगर कोई विष्णु भगवान की मंदिर है तो वहां जाके आप अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में आप इसे अर्पित करें और अपने मन की बात बोले उन्हें। आप देखेंगे कि अगर आपकी शादी में कोई भी बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि ये धन संबंधित बाधाएं को भी दूर करता है। धन में अगर कहीं रुकावट अगर आपकी आ रही है तो ये भी दूर होता है। तुलसी विवाह के दिन जिन बालक बालिकाओं की शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी आ रही है, वो ये काम जरूर कर लीजिए। आपको चमेली के तेल में तुलसी के सामने, आपको तुलसी माँ के पौधे के सामने आपको दीपक जलाना है। ऐसा करने से आपके शादी के योग बहुत जल्दी बनने लगेंगे और आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी।
तुलसी विवाह के दिन तुलसी माँ को वो अर्पित करें इन सब चीज़ों को। तुलसी के पौधे का श्रृंगार करें। अगर कुंवारी कन्या है तो लाल रंग की चुनरी तुलसी के पौधे को अर्पित करें। लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग की सिंदूर सभी चढ़ाएं। इससे उन्हें मन चाहा पति, मन चाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर किसी कन्या की शादी में आ रही है रुकावटें तो उसे तुलसी के पौधे पर श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना चाहिए। और जिन कन्याओं के विवाह हो चुके हैं उन्हें भी इन सारी चीज़ों को अवश्य चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। माँ तुलसी को जिसे दुल्हन सजाया जाता है उसी तरह माँ तुलसी को सजाना चाहिए। अगर तुलसी विवाह के दिन आप अगर विष्णु जी के मंदिर में जा कर के नारियल और बादाम जो होता है अगर वो आप चढ़ाते हैं तो आप उसका चमत्कार देखेंगे। चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिन व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन व्यक्ति को तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसे करने से घर जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति मन चाहा पति पाना चाहता है या मन चाहा अपने प्यार को पाना चाहता है वो तुलसी विवाह के दिन राधा कृष्ण की तस्वीर अपने कक्ष में लगाएं। जहाँ आप सोती हैं चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो जिसे शादी करनी है और वो चाहता है कि मुझे मन चाहा पति चाहे मन चाहा पत्नी मिले तो वो तुलसी विवाह के दिन राधे कृष्ण का फोटो अपने रूम में अपने कक्ष में लगाएं। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी आपका मनपसंद जीवन साथी आपको मिल जाएगा। देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध डाल करके भगवान विष्णु को अभिषेक करना है। इससे आपको तुरंत आपको फल की प्राप्ति होगी। आप इस उपाय को जरूर कर लें तुलसी विवाह के दिन। छोटा है लेकिन आसान उपाय है, आप जरूर कीजिए और आप देखेंगे कि आपका मन चाहा पति मिलेगा। अगर घर में पति पत्नी के बीच कलेश रहता है तो आप तुलसी विवाह के दिन माँ को चुनरी लाल चूड़ी माँ के सामने माँ को जल अर्पित करें, माँ की पूजा करें, माँ के सामने गाय का घी का दीपक जलाएं। आपके बीच मधुरता बनने लगेगी, आपके घर प्रेम भाव बढ़ने लगेगा।